गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमर मितान सखी बहनी मन आत्मीय बंधु मन भाई बहन मन, आज जतका समस्या है चाहे ओहर खुद के हो परिवार के हो समाज के चाहे देश और विदेश के होवे, सब्बो मा एकेच कारण परम पूज गुरुदेव ह बताए हवे कि बड़े मनखे मन बड़े बर हो गए भौतिक संसाधन जम्मो जुटा लेन पर महामानव जेकर चिंता सोचे के विषय उच्च चरित आदर्शवादी प्रामाणिक व्यवहार शालीनता प्रेम माया ममता करुणा सहयोग जोड़े के भाव होवे जेन ह अपन समय के साधन और प्रतिभा के उपभोग दूसर ल उठाए बर करे, इसने मन का मन के अकाल पड़ गए है। पूरे विश्व में फैले समस्या के समाधान बर महामानव ल बनाए बर सबले बड़े जरूरत हवे ए युग के धर्म है और इसने महामानव के निर्माण उत्पादन बर हमर माता मन के गर्भ ले 80% तक हमन करे सकत हन। इसने बात ला हमर ऋषि मुनि तो कहेच रही ने संग मा आज के वैज्ञानिक मन खलोक कहे हैं। हमर पुराने समय के गुरु मन चेतना प्रकृति और आध्यात्म सबो के वैज्ञानिक मन रहिन ओमन बतात रहिन पूर्व जन्म के बने और बुरे सबो काम के छाप चेतना के साथ ए जन्म में भी आते और पूरे जीवन में घलो पड़ते। एमन मनुष्य के चेतना के सूक्ष्म स्तर ला प्रभाव डाले के तरीका घलो निकाले रहिन जेला ओमन हमर गुरु मन संस्कार के नाम दे रहिन और ए संस्कार ला मनुष्य के जीवन में बहुत खास समय में संपन्न करे जात रहिस त ओहर जीव के मन एंडोक्राइन संस्थान और जीन्स पर खास असर करे और हमर अवचेतन मन में जमे पुराना जम्मू बुरे संस्कार मन ला साफ करके हमर अंतर मन ला बने संस्कार ले प्रकाशित कर दे। इसने 16 संस्कार रहिन ओमा ले 3 संस्कार गर्भ के पहले गर्भाधान तीसर महीना में पुष्वन और 7 महीना में सीमोंतन ला लैका बर माँ के पेट भीतर करे जात रहिस। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में जीवन के व्यस्तता और वातावरण ला देख के हमर गुरु सत्ता ये तीनों संस्कार ला एक साथ ओकर लाभ ला शिक्षा ला और वैज्ञानिकता ला एके साथ जोड़ के ओकर एक नवा नाम दे दिन गर्भोत्सव संस्कार कहिन जेला तीसर महीना मा चाहे ओकर बाद काबर की आज 90% लड़का मन बिन तैयारी के एक्सीडेंट कष्ट जीव धरती में आ जाते हैं। ओकर ले माँ के पेट भीतर ले ओकर लड़का के भीतर महानता के विकास करे पर ओकर गुण के विकास करे के खातिर गर्भोत्सव संस्कार के वैज्ञानिक तरीका के द्वारा जन जागरूकता के कार्यक्रम शांति कुंज हरिद्वार ले श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय जीजी के देखरेख में चलाए जाते। एक कार्यक्रम के उद्देश्य गर्भ में पलत लयिका हमर शिशु के स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के परिशोधन करना है ताकि शरीर ले स्वस्थ मन ले संतुलित और विवेकवान भावनात्मक रूप ले सक्षम प्रखर प्रतिभाशाली शालीन सभ्य गुणवान और समुन्नित पूरे पीढ़ी के निर्माण किए जा सके। एमा प्रजनन विज्ञान के सामाजिक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक शिक्षण के जम्मो गर्भवती माता पर स्वस्थ प्रसन्न शालीन और अनुकूल वातावरण बनाए के ओकर आहार विहार सुव्यवस्थित दिनचर्या पर पूरा जानकारी दिए जाते। यह एक नान कुन पूजा कर्मकांड और जम्मो परिवार के सगा लोग मन सबों के संग मा ओकर सामने मा प्रतिज्ञा लेहे के उत्सव हवे जेमा गर्भवती माता ओकर बाबू और घर के लोग लयिका मन जम्मो मन के ध्यान गर्भ मा पलत लयिका के शरीर मन भावना और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के तरफ आकर्षित कराए जाते। ये प्रक्रिया हर गर्भ मा लयिका के अवचेतन के सूक्ष्म इलाज घलो हवे। माँ ह बच्चा के निर्माता होते ओकर विचार भावना आहार वातावरण जम्मो के प्रभाव
पेट भीतर बढ़त लइका के पोर पोर मा होते। यही ले हमन मनचाहे गुण वाली संतान ला प्राप्त किए जा सकत हैं। जिसने एक रानी मदालसा रहीस, वह अपन तीन लइका ला ब्रह्मज्ञानी बनाइस, फिर राजा है कहिस तो ओकर बात ला मान के चौथा लइका ला कुशल शासक बना दीस। जीजाबाई है शिवाजी ला गढ़ीस। अभिमन्यु है चक्रव्यूह ला तोड़े बर अपन माँ के पेट मा सब चीज ला सीख डारे रहीस। अर्जुन है अपन पत्नी सुभद्रा ला चक्रव्यूह तोड़े के तरीका बतात रहीस। अभिमन्यु है ओला अपन माई के पेट मा पूरा ला सुन के सीख डारे। तहाँ बीच में थोड़ देर बाद सुभद्रा की नींद पड़ गई रहीस। ओकर खातिर चक्रव्यूह ले बाहर आए के तरीका अभी प्रहा अभिमन्यु नहीं सीखे पाइस और युद्ध में ओला अपन प्राण ला गवाए पड़ेस। पर आज के जम्मो सुभद्रा जम्मो अर्जुन है शुद्ध भुलाए हैं। ओमन आए वाले लड़का पर कोनो जिम्मेदारी के ओमन ला भान नहीं है। यह आज के नो है हजारों बरस के अज्ञान के अंधकार के देन हवे। वही अज्ञान के अंधियारी ला ज्ञान में बदले पर पुनर्जागरण के एक कार्यक्रम चलाए जाते। ये सब हवा के किस्सा नो है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डॉक्टर रूपर्ट सेल्ड्रिक के सिद्धांत हवे फार्मेटिक काजेशन। ओकर अनुसार गर्भ के समय में माँ के मन आहार परिवार और समाज वातावरण ले एक पराभौतिक मार्फे जेनेटिक बल ह क्रियाशील होते, हमार चारों तरफ तैयार हो जाते, जेन ले भावी लइका के 80% व्यक्तित्व के आधारशिला गर्भ में बन जाते। माई के बने और बुरे विचार भाव ह अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के रस शरीर में बनाते, जेमा ह खुशी सुख शांत रथे। खुशी वाले रस जेला हार्मोन कथे निकलते तहाँ ले लइका माँ गुण के विकास होते और खुश मिजाज तनावचित एकाग्रचित होशियार व्यवहारी अपन बात ला बने कह सके वाला आत्मसम्मानी शांत और सही निर्णय लेवैया रचनात्मक बुद्धि के मालिक अपन जीवन के सबो क्षेत्र में सफल लइका होते। और जैन माँ दुखी रथे तनावग्रस्त रथे परेशान रथे खुदे खा क्रोधी ईर्ष्यालु जलन रखवैया भाव धरते ते ओकर तनाव वाले रस बनते ओकर शरीर में और ओ लइका के नस नारी में घलोक पहुँच के ओला संकुचित कर देते। ओकर बर ऑक्सीजन पौष्टिक पदार्थ के कमी कर देते जेन ले ओ लइका ह छोटा घलोक रह जाते और माई के पेट ले बनेज बीमारी के बीज ला शरीर में जमा के पहली से पैदा होते। उसने लइका ह कम वजन के होते चिड़चिड़ा हो सकते रोवंटा गुस्सैल अड़बड़ व्यवहार करैया मन तन और भाव ले घलो कमजोर हो सकते। माई के आहार कमी माने व्यवस्थित सात्विक संस्कारिक नी होए के कारण लइका ह कुपोषण शिकार रथे और कुपोषित लइका मने भविष्य के जम्मो बड़े बड़े बीमारी जिसने दिल के बीमारी शक्कर के बीमारी कैंसर उच्च रक्तचाप कोलेस्ट्रॉल मन और व्यवहार के समस्या मन में जरी कस ले के पैदा होए रथे। तो माई के आहार बहुत जरूरी चीज हवे जब माँ गर्भवती होते। माँ के पेट में सबो ले तेजी ले लइका के दिमाग बाढ़ते। 80% विकास है बालक के 7-8 महीना होत ले हो जाए रहते। पहले महीना में लइका शिशु के दिमाग और तीनों प्रकार के शरीर जेन ला सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर और कारण शरीर कहे जाते ओकर नींव धरा जाते। और नींव कमजोर रही त लइका हा जियत भर ओकर ले प्रभावित रही परेशान रही। एकरे कारण गर्भाधान के पहली गर्भधारण करे के पहली चले शरीर मन भावना आत्मिक और सात्विक वातावरण के तैयारी हमला करके रखे बर चाहिए। तीसरा महीना मा दिमाग के कोशिका हा प्रति मिनट के हिसाब ले बढ़ते जानता। ए टाइम मा लइका हा सुनय के सूंघय के और स्वाद घलो लेहे चालू कर देते। ओखरे कारण माई के गर्भोत्सव संस्कार कराए जाते। माई और परिवार के लोग मन के ध्यान में लइका के शारीरिक मानसिक और भावनात्मक विकास के ओर खींचे जाते। गर्भ के 7 महीना में शिशु के दिमाग के कोशिका मन 5,00,000 पर मिनट के हिसाब ले बढ़ते हैं और वहाँ पर भावना के
विचार के समझ के केंद्र ह घलोक बन जाथे। ओखर ले माँ के दुखी होए ले लइका ह भी दुखी और टेंशन में आ जाते, और जेन माँ ह खुश होते तो लइका ह घलोक खुश रहते। अब आप एक वीडियो ला देखा जेमा गर्भवती दाई दादा लइका के माँ बाबू आपस में लड़त हैं, जोर जोर ले चिल्लात हैं, जेन ले गर्भ माँ सोवत लइका ह तनाव में आ जाते और ओकर शरीर में तनाव के हार्मोन रस ह बने लगते। जेन ले लइका ह जब पैदा होते तो वह रोहना चिड़चिड़िया गुस्सैल मानसिक रूप ले थोड़ा कमजोर अस्थिर डरपोक परिस्थिति ले भागे वाला दब्बू हो जाते। माई है जब खुश और संतुष्ट होते तो अपन गर्भ के लड़का ला प्रेम ले गुठिया थे, बने बने किस्सा कथा ला सुनाते, घर के लोग लड़का मन घलोक ओकर ध्यान धरते, प्रेम ले मिल बैठ के सब जिन गुठिया थे, पूजा आरती करते, भोजन करते, तो लड़का घलोक गर्भ में खुश रहते। ओमा माई के अंदर खुशी के हार्मोन बनते और हमार लइका हा जो दुनिया में आए वाला है सुंदर बनते, स्वस्थ बनते, विचारवान बनते, समझदार धीरंतन और जीवन के सब्बो क्षेत्र में सफल होए के ताकत लेके सहयोगी भाव के दुनिया में पैदा होते। गीत ला सुन के लइका नाचते। अब आवा एक वीडियो ला देखा। एक और चीज है, अगर माँ ला गीत सुने के गाय के नाचे के शौक हुए तो वहाँ भी बहुत सावधानी ध्यान धरे पर पड़ते। तेज बाजा डिस्को डांस आदि ले हमार माँ के गर्भ के लइका हर डराते, ओकर मानसिक विकास में बाधा पड़ जाते। तेखर ले गर्भवती माईला शांत गूंजे वाले मधुर आवाज वाले गीत गाना ला सुनना चाहिए, जिसने शास्त्रीय संगीत धीमा वाद्य यंत्र मंत्र ओमकार आदि। एकर ले लइका मन के मानसिक विकास भावनात्मक विकास तेजी ले होते। हमार वैज्ञानिक मन शोध करके बताए हैं, मीठा संगीत सुने ले गाय गरुआ घलोक ज़्यादा दूध देहे लगते, पेड़ पत्ती के विकास तेजी में हो जाते। तो फिर हमन तो मनुष्य मनहन हमला ऊपर ले भगवान बुद्धि दे के भेजे है, तो हम एक फायदा ला काबर नहीं उठान, है ना। तहा दूसर बात अव है, जब हमार लइका 8 महीना के हो जाए रहते त गर्भ माँ ओकर याद करे के और सीखे के केंद्र घलोक बन जाए रहते। ओहा ए टाइम माँ 5,000 शब्द एक साथ सीखे जा सकत है। माई के साथ साथ परिवार के लइका मन भी जतका बात गोठला आसपास में करते हैं सब ला सुनत जाते, सीखत जाते और याद करत जाते। ए समय में हम चाहें तो ला कई ठीक भाषा ला घलो सिखाए सकत हन, जिसने माई के आसपास में बात करबो सब ला गर्भ के लइका हा जान डरते, सीख डरते, याद कर डरते। एकर बनेच कुन उदाहरण हमार आसपास में दिखते, ओमले कुछ हम आपला बतावत हन। ओ माँ हा ओ दाई हा अपन लइका ला वैज्ञानिक बनाए बर चाहत रहीस, और आज जब ओ नानकुन लइका हा 1.5 साल के हो गए है तो जाना था ओहा बने फर फर बोले लगे है और संग मा पढ़े घलो जान डारे है, जबकि औ लइका मन 2 साल के होतले बने ले गोठ करे बोले घलो नहीं जाने। अब आवा एक वीडियो ला देखा। एक उदाहरण एक वीडियो द्वारा आप मन ला दिखा था वो। ए वीडियो में एक जुड़वा लड़का दिखा थे, इमन के दाई जब गर्भवती रहीस रोज नियम ले
अपन पेट ऊपर हाथ रख के गीता के अध्याय के पाठ करे और भावना करे कि मोर लइका एला सुनत हैं। आप मन जान के आश्चर्यचकित हो जाहा जब दोनों लइका हा बोले चालू करें तो बिन जाने बिन पढ़े गीता के अध्याय ला फर फर सुनाए लगिन हैं। ये वीडियो हमर भाई मन गायत्री माता के नौ कुंडी यज्ञ के समय में रिकॉर्ड करे रही ने। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धातय विभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते। शिशु के बौद्धिक प्रतिभा जिनला IQ घलो कथें, भावनात्मक प्रतिभा जिनला EQ घलो कथें, आध्यात्मिक और सामाजिक प्रतिभा जिनला SQ घलो कथें के शुरुआत माँ के पेट ले शुरू हो जाते। जिन हर माई के विचार भावना और ओकर आसपास के वातावरण पर निर्भर रहते, वही ले लइका के व्यक्तित्व तैयार होते। IQ मने लइका अपन शिक्षा पढ़ाई में कतका आगे रही, EQ मने अपना जीवन मा कतका बढ़िया होई, और SQ के मतलब होते ओकर भीतर के स्वभाव के गुण हा जेमा प्रेम करुणा ममता उदारता सहयोग सहकार व्यवहार कुशलता घर मा और बाहरों मा कौन के संग मा किसने बात करना है किसने रहना है। बालक लइका मन के सबे आदत हा बन जाते और बनाए बर सबले उत्तम समय यही गर्भ में आए के पहले दिन ले 5 बरस के होए तक। यही समय में लइका के पूरा जीवन के प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कस करे जा सकते है। आत्मा ले आत्मा के परापश्यंती बात होते। जो जीव है गर्भ में आते ओकर आत्मा अपन दाई के जो माँ के पेट में उहरत है ओकर आत्मा ले बात करे सकते। एक लइका हा अपन माँ ले जो चाहते वह आत्मा ले आत्मा के यही भाषा में बात करते। वह कथे माँ मोर मस्तिष्क हा अभी बाढ़त है, मोला थोकुन प्यार कर मोर रक्षा कर मोर बर बने बने पुस्तक ला ला पढ़ पढ़ के मोला सुना बने संगीत ला सुना मोला सुघर कथा कहानी सुना पौष्टिक भोजन खा और खुश रह। तभी तो मैं जब दुनिया में आऊँ तो एक सफल और संस्कारित इंसान बने सकूं। तो फिर आप मन एक प्रखर प्रतिभाशाली शालीन सभ्य गुणवान संतान ला चाहा था, ता फिर कछु खास बात ला पूरे 9 महीना तक माता के साथ साथ ओकर पिता बाबू घर परिवार के लोग लइका मन सभी ला माने बर पढ़ी। माँ बर कुछ नियम है, परिवार भर भी कुछ नियम है। पहली माँ के नियम बतात हूँ। माँ ला रोज के नियम ले दिनचर्या के स्वस्थ दिनचर्या के पालन करे बर पढ़ी। रोज नियम ले योग व्यायाम करे बर पढ़ी, जप ध्यान प्राणायाम अपन धर्म के धार्मिक पुस्तक रामायण गीता चाहे बाइबल होए कुरान गुरु ग्रंथ साहब ओकर पाठ ला करे बर पढ़ी। शौर्य साहस सकारात्मक सोच मानवीय मूल्य ला विकसित करे वाले सत्साहित्य सफल महान लोग के चरित्र अखंड ज्योति युग निर्माण योजना आदि के पढ़े के आदत ला बनाए ब पढ़ी। डरावने उत्तेजना बनाए वाले साहित्य पिक्चर TV धारावाहिक ला बचे ब पढ़ी। प्रसन्न स्वस्थ सकारात्मक संस्कार वातावरण ला बनाए ब पढ़ी। अपन बढ़िया दिन ला सुरता करे ब पढ़ी और घर कोठा मा सुंदर प्रकृति के सुंदर प्राकृतिक प्रेरणा वाला चित्र लगाए बर पढ़ी। माला तली भुनी मसाला वाले चीज ले थकुंदूरी बनाना पढ़ी। सात्विक संतुलित संस्कारित और पौष्टिक भोजन ला करिया। रोज 1-2 घंटा आराम करे बर पढ़ी, वह बहुत जरूरी है ताकि तुम्हार गर्भ के बच्चा सवेरे ले उठे ले जब तक जोन जोन देखा थे तुम्हार संग संग वह तो काम करते सीखते तो वह ला आराम देना है। तो 2-1 घंटा रोज आराम करना बहुत जरूरी है। ईर्ष्या जलन जिद्दी रूठना ये सब भावना ले अपन ला बचा के मन ला शांत धार्मिक सेवा भावना ला बनाए रखे चाहिए। घर में आस्तिकता के वातावरण बनाए बर सामूहिक आरती में जावा पूजा साधना करा भोजन आदि सब के संग में बैठ के
प्रेम ले, खुशी ले, मुस्कुरा के करा। ये सब चीज़ हा माला चाहिए और ओकर परिवार के सब झिनला भी ध्यान धरना चाहिए कि माँ ये सब काम ला करत है। अब आत है डॉक्टरी चेकअप के बाद। डॉक्टरी चेकअप और सलाह ओहूला बहुत महत्वपूर्ण तरीका ले याद रखना चाहिए। त्रिमाही माँ डॉक्टर करा जांच और टीका जरूर लगवाना चाहिए। जिसने डॉक्टर है बताए रहते उसने नियम ले आयरन और कैल्शियम खाहा। जचकी के टाइम में प्रशिक्षित मनखा मन, दाई मन, मितानिन मन अस्पताल जाके तरीका माँ कराहा। घर माँ कहूँ भी जचकी के व्यवस्था ओतेक सुंदर नहीं रहे जतका अस्पताल में रहते। इला ध्यान धरी है। पौष्टिक आहार बर आंगनबाड़ी माँ संपर्क कर रहा। वहाँ सरकार है तुम्हार शरीर के गर्भवती टाइम में जतका विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन चाहिए सब ल मिला के कुछ कुछ ऑलरेडी आहार बनाए रहते हैं जो कि ताज़ा घलो रहते, अच्छा घलो रहते, ओला जरूर खाहा। गर्भोत्सव संस्कार पर पंजीयन करवाहा। ओमा अपन पति और घर परिवार के सबो झन ल लेके जाहा। लड़का के जन्म के बाद नामकरण, मुख जुठारी, मुंडन, विद्यारंभ संस्कार सब ल करवाहा। पति और परिवार के लोग मन भी थोड़ कर्तव्य हावे। काबर की लड़का है तो सबे के जिम्मेदारी है। महामानव ला बनाना है तो हमला पूरा समाज ला, खाली गर्भवती माता के नहीं, समाज ला, बाप लड़का के पिता ला सब के जिम्मेदारी हो जाते है। तो परिवार मन के भी कुछ कर्तव्य हमार गुरुदेव है बनाए हैं। ओ मन ले चाहिए हमन गर्भ के लड़का ला भगवान के प्रतिनिधि माने। ओकर स्वस्थ, सुंदर, प्रसन्न और आध्यात्मिक वातावरण बना के स्वागत के तैयारी करें। आपस में दुश्मनी लभुलारी दें। माता के आसपास में शांत, सुंदर और शालीन व्यवहार बनावें। गर्भवती के आसपास में कोनो अभाव नहीं रहे दें, उला खुश रखें। नशा के सेवन झन करें और कुछ संस्कार के छाया भी झन पड़े देवें। माता के बर स्वाध्याय बर सत्संग बर व्यवस्था ला बनाए। घर में तेज आवाज में, क्रोध में, तनाव में, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा आदि के माहौल नहीं बने देवें। गर्भिणी के उचित मांग ला पूरा करें। ओकर खाए पिए के ओह जोन खाए चाहते ओकर सब व्यवहार में, व्यवस्था में ध्यान धरे पर पड़ी। माता की सुविधा के, आराम के, आहार विहार के, आचार के सब के ध्यान तुहु मन ला घलो धरे पर पड़ी। यह परिवार के और पति मन के कर्तव्य है। माता लड़का के भावनात्मक विकास पर गुरु सत्ता द्वारा लिखे सत साहित्य जेनला गर्भ के पहली दिन ले युवा अवस्था तक बालक में महान गुण पर कैसे और का किए जाए ओकर मार्गदर्शन है। ओकर साध्याय किए जाए एकरो व्यवस्था करिहा। ये जागरूकता अभियान विभिन्न वर्ग में, देश और विदेश में भी चलाए जाते हैं। उत्तराखंड सरकार तो भावी पीढ़ी गढ़े बर स्वास्थ्य विभाग ले आशाओं और महिला बाल विकास के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर मन ला शांति कुंज में प्रशिक्षण घलो दिलवाए है। जाति, धर्म, संप्रदाय सब ले ऊपर उठ के समाज के सब्बो वर्ग में सब्बो मनखा मन, लोग मन भावी पीढ़ी के निर्माण बर बीड़ा उठावा। इसने हमार शांति कुंज ले अभियान चले है। ये अभियान ला चिकित्सक संगठन IMA, प्राक्सी और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में, मेडिकल कॉलेज में भी प्रोजेक्ट ले मान्यता देवाए जाते। गांव गवई में, स्कूल कॉलेज में लड़का मन ला, लड़का लड़की मन ला भावी पीढ़ी के नवनिर्माण बर उमन के महती जिम्मेदारी समझाए बर ये अभियान ला सफलतापूर्वक चलाए जाते। भारत देश ले विदेश तक में हमर गायत्री परिजन भावी पीढ़ी के निर्माण पर अपन श्रम, साधन, तन, मन, व्यवस्था सब ले लेके कार्य करत हैं। त तुहु मन के एक छोटे ले जिम्मेदारी होत है कि सब झिन मिल के भावी पीढ़ी के निर्माण पर, महामानव पर छोट छोट अतेक आसान जीवन के नियम है ओला पालन करा और नवा पीढ़ी ला संस्कारित दुनिया में लावा। जय जोहार।